वाह, बॉलीवुड से यही उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। गजब, मतलब ये भोंसड़ी वाले सुधरेंगे नहीं दोस्तों। कल UT69 का ट्रेलर आया और मैं पहले ही UT69 के बारे में जानकारी लेना चाहता था कि ये आखिर, जब ट्रेलर नहीं आया था तभी मैं जानकारी लेना चाहता आखिर फिल्म किस कहानी पर बन रही है, इसकी कहानी क्या होने वाली है। और कई लोगों का भी दिमाग ये सोचकर ख़राब था कि फिल्म की कहानी किस पर आधारित है। जैसे ही पत्ते खुलते गए वैसे ही पता लगा कि ये राजकुंद्रा की फिल्म होने वाली है। और फिल्म किस कहानी पर होने वाली है, जब 2021 में पॉर्नोग्राफी मामले में राजकुंद्रा जेल गए थे उसी के ऊपर ये कहानी फिल्म बनने वाली है। मतलब राजकुंद्रा का बायोपिक बनने वाला है इस फिल्म में। मतलब ये भोंसड़ी के क्या क्या फिल्म बना रहे हैं, अब और कोई बायोपिक नहीं मिला इस पे। मतलब कितना महान काम करके वो जेल गए थे उसी के ऊपर बायोपिक बना रहा है। उनके हिसाब से ये महान काम था तभी वो बायोपिक इस पे बना रहे हैं। मतलब कुछ तो शर्म करो यार, ये इस तरह की बायोपिक बना रही हो और इससे डेब्यू भी कर रहे हैं राजकुंद्रा। अब कल दोस्तों UT69 का ट्रेलर लॉन्च हुआ। ट्रेलर में कुछ नहीं था, बिल्कुल लहसुन टाइप का ट्रेलर था। और जब बैलून फटता है तभी इस तरह की कहानी आती है, इस तरह की कहानी की सोच वाली फिल्में बनती है। इसीलिए अच्छी कंपनी का बैलून लगाए ताकि फटे ना और इस तरह की कहानी लिखे ना कोई डायरेक्टर। मतलब गजब। अब UT69 का ट्रेलर बिल्कुल लहसुन था, मैंने आपको पहले ही बताया है। ट्रेलर में दिखाया जाता है कि राजकुंद्रा को पॉर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया जाता है, उसे जेल भेजा जाता है और आम लोगों के साथ उसे जेल में रखा जाता है। आम लोगों के साथ जेल में नहीं रखा जाएगा तो क्या VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसे जेल में? वो किस मामले में गए हैं? पॉर्नोग्राफी मामले में जेल गए हैं, अब उसे VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा क्या? यही ट्रेलर में दिखाया गया है कि आम लोगों के साथ जेल में रखा जाता है, आम लोगों की तरह ही उसे व्यवहार किया जाता है। मतलब बिल्कुल, तो इसी पर आधारित UT69 का कल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। तो मुझे ट्रेलर बिल्कुल लहसुन टाइप का लगा, एकदम उससे पहले वाला क्या बोलूँ, मतलब लहसुन टाइप का ये ट्रेलर होने वाला है। देखकर ट्रेलर कोई मुझे खास नहीं लगा। अब ये फिल्म आएगी तो फिल्म तो मुझे तो देखना नहीं है, और हो सके आप भी इस तरह की फिल्में ना देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।